इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। नारद जी को कैसे आवेश आया, किस कारण से आया? जो हमारे हाथ में नहीं है उनके हाथ में है, उसको जब हम अपने अनुसार चाहेंगे तो क्रोध आएगा। क्रोध आता कब है? हम सोचते हैं कुछ और हो जाता है कुछ, तब क्रोध आता है। इसलिए वो पद आप सुनते रहते हैं, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे, जीव कोई रूठे ना। क्रोध में बोध नष्ट होता है, इसलिए क्रोध जितना धो सके समन को प्राप्त हो। अच्छा, क्रोध के कोई स्थान नहीं है कि कहां होता है, जहां भी होता है जिसको भी होता है उसके चेहरे पर लिख जाता है। अच्छा, कई लोगों का चेहरा ऐसा होता है कि वो क्रोध करते हैं तो चेहरे बिगड़ जाता है, सबके चेहरे पर क्रोध भी अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को चेहरे पर क्रोध अच्छा लगता है, तो जब बहुत क्रोध आवे ना तो शीशा जरूर देखना चाहिए, देखें तो कैसे लग रहे हैं, अपना चेहरा ही अपने को गड़ने लगता है। इसलिए भगवान ने यदि चेहरा बहुत सुंदर दिया हो तो उस व्यक्ति को क्रोध करने से बचना चाहिए। अरे कैसे बचे महाराज? बचो, जैसे सड़क पर चल रहे हैं तो रिक्शा से बचते हैं, कार से बचते हैं, साइकिल से बचते हैं, घर में कोई उत्पाती हो तो उस आदमी से देखने से बचते, वैसे क्रोध से बचो। उपाय तो सबका है, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना हो। अच्छा, कई लोग क्रोध न करें तब उनकी त्योरी चढ़ी रहती है। भगवान भी हो अलग से गढ़ते हैं जीव। नारद जी को बिना मतलब क्रोध आ गए, और क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध में नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। कपिया कर तुम कीनी हमारी, करी की सहाय मम अपकार कीन तुम भारी नारी। पहला बंचे हु मोहि जबर धरि देहा, सो तन धरे हु श्राप मम। भगत जी ने अपने भगवान को शापित कर दिया, सरकार ने साप सिरोधार किया और माया को खींचा। ये पंक्ति देखिए, जब हरि माया जब हरि माया, नहीं का माया, नहीं का मृषा
झूठे हो भगवान ने कहा नहीं, संत के वचन झूठे नहीं होते, सब सत्य होंगे। आपने कहा हम धरी धरा धाम पर अवतार लेंगे और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अरे ऐसा आनंद हुआ। भगवान शिव के गणों को, रुद्र गणों को शाप दिया है नारद जी ने, चरणों में आ गए, उनको कहा जाओ। प्रतापी असुर हो गए, भगवान को भी श्राप दे दिया, वो धराधाम पर आकर तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। यही तो बात है, जानकर, देखकर, बूझकर, समझकर और थोड़ा क्रोध को बचाना। साहब क्रोध ब्रोध नष्ट करता है, अरे बोध ऐसा नष्ट करता है कि कुछ करने भी नहीं देता है, उत्पात बना के रख देता है जीवन। श्री मनु जी महाराज और माँ शत्रुपा जी के तप की कथा है। भगवान ने उनको पुत्र स्वरूप में आने के लिए वचन दिया, अंशो सहिताओं का ऐसा कहा। अब राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है। प्रताप भानु महाराज धर्म रुचि, उनका भैया विमात्र जो विभीषण हुआ था, उनका सचिव था प्रताप भानु जी अरिमर्दन, कई कई नरेश सत्यकेतु महाराज के पुत्र रहे। ब्राह्मण देवताओं के शाप के कारण से ये सकोल समूल असुर शरीर धारण किए, यही जन्मादि संस्कार है। जैसा हम सोचते चलेंगे वैसा हमारा जन्म का, सोचते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मनुष्य होता क्या है, या तो जो सोचता जाता है वो होता जाता है। सोच हमारी मधुर हो, जीवन हमारा मधुर हो, सुष्ट हो, सुंदर हो, व्यवस्थित हो, चाहे जो नहीं सोचना चाहिए। पंखा ए, 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 भाई पंखा है ना, ये गिरेगा तो नहीं, गिरेगा तो मेरी खोपड़ी पर गिरेगा ना। अभी सोच का क्या है, गिरेगा तो देखा जाएगा, गिरेगा भी नहीं क्योंकि ठाकुर जी यहां है, गिरेगा नहीं। भगवान पर कोई उत्पात नहीं होता। सात्विक सोचना, नहीं सोचना वो भी सोचते रहते, बिना मतलब सोचना, अकारण का चिंतन करना, अकारण चिंतन करना भी नहीं चाहिए। जीव को सकारण में रहना, सात्विक रहना, सहज रहना, शुद्ध बुद्ध रहना। लेकिन प्रताप भानु ने, अरे जरा मरण दुख रहित तन समर जित जन को यही कुछत्र रिपोही नमः राज कल्प सत हो। बुढ़ापा आवे नहीं, मैं मरू नहीं, कोई जीते नहीं, मेरा कोई शत्रु ना हो, धरती हमारे बस में नहीं, कैसे संभव है। जो जन्मा है वो मरेगा, जिसके मित्र हैं उसके शत्रु अवश्य होंगे। शरीर है तो रोग भी होगा, कभी इधर दर्द होता है, कभी इधर दर्द होता है, कभी यहां होता है, कभी यहां होता है, कभी काका होता है, होता ही रहता है साहब। शरीरम व्याधि मंदिरम, रोग है दवा खाओ, रोग है चाहे जो होगा दवा नहीं खाएंगे, दवा नहीं खाएंगे तो घर भर को दवा खिलाएंगे। जो व्याधि की दवा नहीं खाता है वो घर भर के लिए विपत्ति हो जाता है। घर वाले बड़े सोचते हैं दवा खा लेते तो अच्छा होता है, ऐसे लोग इतने अभ्यासी होते हैं, दवा दे दो तकिया के नीचे रख लेंगे, पानी में डाल देंगे, बाथरूम में ले जाके डाल आएंगे। अरे भाई पैसा लगा है, दवा खाओ, शरीर जो है इसको फिट रखना है। शरीर हवे भगवान बाबू जी एकर निमने से राखी पल पल ध्यान बाबू जी। शरीर भगवान का
अतः के मल मल के न हो आये में कचरा ना पहुंचा। कचरा समझते हैं? एक मल मल के लवाई हे मां कचरा ना पहुंचाई। यह जन्म जन्म की तप का दिव्य समान बाबूजी ये शरीर या रावण हवे भगवान बाबूजी। चाहे जो नहीं हो, पता नहीं हम प्रसन्न रहने का अभ्यास क्यों नहीं कर पाते हैं। जो कर रहा है वो भाग्यशाली है। हर हाल में खुश रहना संतोष से मगन रहो यार। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम मगन नहीं रहते हैं। ये भोलेनाथ है शिव जी यो मगन नहीं रहते हैं, श्री रामो मगन नहीं रहते। मगन रहा करो। व्यास जी मगन रहते हैं, खुश रहा करिए। देखिए खुश रहने से कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा रहता है, कुछ लोग भुना ही जाते हैं। पता नहीं क्यों जब देखो हंसते ही रहते हैं। अच्छा आप रोते रहेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता, कहीं का आपके रोने पर उनको मजा आता है, लेकिन आप खुश रहिए तो बढ़ जाते हैं। जब देखो मगन रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे के सौभाग्य को देख के जर जाते हैं। इनका ऐसा एक जस हमारा है लो। तो यदि कोई आनंद में नहीं हो रहा है लेकिन आप स्वयं तो आनंद में रहो, अरे ठीक है। आगे जो है सो बहुत सुंदर है। तो कौन बीमारी चल रही है? ओमिक्रॉन। क्या है? ओमिक्रॉन। हम तो जानते नहीं क्या है, कुछ नहीं, एक सर्दी जुकाम बुखार है, कहीं कुछ नहीं है। बिनु पग चले सुने बिनु कान, कुछ नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार है। देखो जिस प्रकार हम लोग जाड़ा गर्मी वर्षा में जीने के अभ्यासी हो गए हैं, उसी प्रकार ये सब मलेरिया का टाइफाइड का सब दवाई खाते चलते रहो। इसे दवाई खाते चलते रहो, थोड़ा थोड़ा डोलो खाओ, थोड़ा जित्रो खाओ, थोड़ा लिगरा खाओ, गैस की दवाई खाओ, चकाचक भट पेट खाओ, आनंद राम राम गाओ। हाँ तब ठीक है, अब जो होना था हो गया। आप रो रो के तो जिया नहीं जा सकता है ना, हंस हंस के जीने में ही आनंद है जीवन का। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।